जो शेफाली बग्गा हैं उनको और सिद्धार्थ डे के बीच में भी रोमांस देखने को मिलने वाला है। लेकिन वो गलत है, एक साथ मतलब कोई अनकंफर्टेबल हो ना सोना चाहे किसी लड़के के साथ, और हो सकता है ये पारस का की कोई स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो। अब मुझे ऐसा लग रहा है पारस थोड़ा अलग हट रहे हैं सहनाज से। हाय दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ यास्मीन, और मेरे साथ है प्रशांत, दर्शिका और आरती जी। दोस्तों, बिग बॉस एक ऐसा शो जिसका दूसरा नाम ही कंट्रोवर्सी है, लेकिन इस शो को लेकर लगता है इस बार किसी की नज़र लग गई है। शो को लेकर आए दिन ट्विटर पर हर तरह के ट्रेंड सामने आ रहे हैं, हैशटैग जिहाद फैलाता है बिग बॉस, हैशटैग बॉयकॉट बिग बॉस। तो अब जानते हैं हमारे डाई हार्ट फैन से कि उन्हें इस पर उनकी इस पर क्या राय है। नहीं, बिग बॉस को बंद होना चाहिए तो नहीं कह सकते, क्योंकि बिग बॉस हमेशा से कंट्रोवर्सीज में रहता है, और जिस तरह से जो हैशटैग चल रहे हैं कि लव जिहाद फैलाता है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक ऐसा कुछ उसमें देखने को मिला है जिसकी वजह से ऐसा लगे कि लव जिहाद फैलाता है। इनफैक्ट इस पूरे इस बार सिर्फ एक ही कंटेस्टेंट है जो कि मुस्लिम है, जो कि कश्मीर का है, और वो भी एक माहिरा ने तो उसको सीधा भाई बना लिया है, तो मुझे नहीं लगता अभी, और उसका अभी तक ऐसा किसी लड़की के साथ कोई कनेक्शन देखा भी नहीं गया है। तो लव जिहाद का जो कॉन्सेप्ट है वो तो मुझे नहीं समझ आ रहा है, तो मुझे लगता है कि उसको बंद होना चाहिए। प्लस उसके साथ जो टाइमिंग है उसका, बिग बॉस का टाइम ही शायद 10:30 बजे इसलिए रखा जाता है क्योंकि वहाँ पर उसका कोई नाबालिग के ऊपर कोई असर ना पड़े, क्योंकि ये टाइम जो होता है वो सारे एडल्ट लोगों के लिए होता है, ताकि वो लोग जो भी वहाँ पर होता है उनको सब समझ आती है चीज़ें कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इस चीज़ को लेकर भी बीच में ऐसा बात आई थी सामने कि प्राइम टाइम जो होता है 9 बजे का होता है, लेकिन इस बार ये 10:30 बजे से शुरू हुआ है, तो मतलब एडल्ट, मतलब वाकई में ये एडल्ट शो की तरफ जा रहा है इसका एंगल। नहीं, पहले दरअसल जब इसका टाइम ये 10:30 बजे रखा गया था तभी से ये चीज़ें चलने लगी थी कि हाँ शायद इस बार कुछ बोल्ड हो सकता है, एडल्ट नहीं है, हाँ थोड़ा बोल्ड हो सकता है इसमें, क्योंकि हमेशा कपल आते हैं और बिग बॉस की हिस्ट्री भी ऐसी रही है कि हमने कई सारे ऐसे कपल्स देखे हैं जो लाइन क्रॉस करते हुए दिख जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है दर्शक, क्या मुझे नहीं लगता कि बंद होना चाहिए, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी शो है और ये हमेशा से ही ऐसे ही आता है, और ये पहली बार नहीं हुआ है कि कोई केमिस्ट्री बन रही है घर के अंदर या फिर कोई लव कर रहा है ऐसे, और बहुत इससे पहले भी बहुत सीन्स ऐसे हुए हैं कि बहुत गंदा गंदा दिखाया गया है। मतलब उस टाइम भी जब वीना मलिक थी और रश्मित पटेल थे तो उन दोनों का बहुत ही मतलब एक ही दूसरे के मतलब गले ही लगे रहते थे, हर टाइम सामने किस करना, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। और इस शो में तो बल्कि ऐसा भी कुछ हुआ नहीं है, बस शहनाज का है और पारस का है, लेकिन उन्होंने भी बस ऐसा कुछ किया नहीं है खास, बस एक हाथ पकड़े हुए दिखाया था और तो कुछ है नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता बंद होना चाहिए, बाकी फैंस को पता नहीं क्यों पसंद नहीं आ रहा। प्रशांत, इससे पहले भी काफ़ी मतलब ऐसा देखा जा चुका है कि बंदगी पुनीश की काफ़ी ज़्यादा इस तरह से क्लोजनेस वगैरह दिखाई गई है, तो तुम्हें क्या लगता है इस बार ही क्यों ऐसे सामने आ रही है ये सब चीज़ें कि बंद होना चाहिए? बेसिकली दर्शक वो यास्मीन, बेसिकली क्या है कि जो इस बार जैसे कि बिग बॉस है उसको वो वैसे ही कॉन्ट्रोवर्शियल शो है, और शो के अंदर कॉन्ट्रोवर्सी होना तो लाजमी सी बात है। रही बात कि बंद कर देना चाहिए, बॉयकॉट किया जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा ही वल्गर कंटेंट है, तो मुझे लगता है हाँ थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि थोड़ा बोल्ड करने की कोशिश की गई है, लेकिन हम पूरा ये नहीं कह सकते कि हाँ बिल्कुल ही शो एकदम बेकार है, इसको देखा ही नहीं जा सकता। आप पिछले के सीजन्स देखो, बंदगी और पुनिश थे, उन दोनों के बीच में भी रोमांस दिखाया गया था, बाथरूम में भी गए थे वो लोग और बैट्स पे भी उनका रोमांस दिखाया गया था, तो तब भी थोड़ी बहुत ऐसी आई थी, लेकिन बिल्कुल कि बॉयकॉट कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, तो ये सब नहीं था। लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इस बार जो थोड़ा बहुत ज़्यादा जो बढ़ गया है ड्रामा हो रहा है इस चीज़ को लेकर, वो ये है कि इस बार जो कॉन्सेप्ट कर दिया है घर में आते के साथ ही, जो सलमान ने बोला कि बैड फ्रेंड्स फॉर एवर, जो बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर जो है वो बेड पर एक लड़की को सोना, ये थोड़ा अनकंफर्टेबल जैसी चीज़ होती है, साथ में सोना या कुछ भी चीज़ हो सकती है एक साथ सोने के ऊपर लेकर के, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बाहर के लोगों को गंदा लग रहा है, और अभी एक ही हफ्ता बीता है तो अभी आगे कुछ और भी चीज़ हो सकती है, तो शायद इसी वजह से शो को लेकर ज़्यादा ड्रामा हो रहा है कि मतलब इतना भी क्या, मतलब जैसे कि लोग बाहर ट्विटर पे भी बोल रहे हैं कि जो मेकर्स हैं वो TRP के लिए और क्या कहते हैं अपने प्रॉफिट के लिए इस शो को इतना ज़्यादा वल्गर कर रहे हैं कि लोग देखें, क्योंकि लोग एक तरफ ट्विटर पे बकवास भी करे जा रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ लोग देखते भी हैं, दूसरी तरफ लोग हाँ हम देख सकते हैं कि जहाँ एक तरफ हमारे देश में लिव इन रिलेशनशिप को परमिशन मिली हुई है, ऐसी सिचुएशन में वहाँ किसी को जबरदस्ती नहीं लेटने के लिए कहा जा रहा है। आप चाहे जो गलत है कॉन्सेप्ट दे रखा है उन लोगों ने कि आपको ऐसे रहना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको वहाँ जाके कुछ वल्गर करना है,
लेकिन वो गलत है, एक साथ मतलब कोई अनकंफर्टेबल हो ना सोना चाहे किसी लड़के के साथ, तो मतलब सोफे पे जाके सो रहे हैं, कुछ अलग हो जाके सो रहे हैं, कर रहे हैं वो लोग तो अंदर। पहले ये होता था कि आपको जिसके साथ शेयर करना हो वो कर, यहाँ तो किसी को जानते भी नहीं है और एकदम से ही आके और मतलब साथ में सोना है, होता है लड़की को अनकंफर्टेबल फील होता है, तो ये चीज़ गलत लगी मुझे अभी तो कैसे। लेकिन अंदर से कोई कंप्लेंट नहीं किसी ने सुनाई, किसी को ये नहीं लगा कि यार मुझे नहीं अच्छा लग रहा। हालांकि रश्मि देसाई ने एक बार किया था तो वो अलग जाके अपना ब्लैंकेट लेके सो भी गई थी, तो दैट्स ओके, उस पर कोई ऐसा नहीं कि कुछ अगेंस्ट कुछ एक्शन लिया बिग बॉस ने। हुआ था इस चीज़ को लेके कि यार लड़के के साथ सोना पड़ेगा, लेकिन ये है बिग बॉस की बात है तो माननी पड़ेगी, और तो कुछ नहीं था। अच्छा, अपकमिंग एपिसोड में ऐसा दिखाया गया है कि पारस जो होते हैं एक टास्क के दौरान, पारस जो होते हैं वो माहिरा शर्मा और शहनाज गिल में से माहिरा के तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो इस पर क्या कहना चाहोगे कि क्या वो माहिरा को चूज़ करना चाह रहे हैं? अब मुझे ऐसा लग रहा है पारस थोड़ा अलग हट रहे हैं शहनाज से, क्योंकि वो इन दोनों का मतलब वो दोनों को ही लाइक करता है, फिर शहनाज है वो सिद्धार्थ डे को भी पसंद करती हैं, और दोनों का चल रहा है लेकिन वो ऑफिशियली नहीं बोल रहे कि मतलब हमारे बीच है कुछ ऐसा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे पारस गेम खेल रहे हैं और इस टाइम वो माहिरा को चूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, मुझे भी लगता है कि ये गेम है और बिग बॉस में आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत सारी स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ती है, और हो सकता है ये पारस का की कोई स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो। प्रशांत, तुम्हारा इस पर क्या कहना है कि क्या मतलब पारस को देखते हुए तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो शहनाज को छोड़कर माहिरा की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं? यास्मीन, मैं बता दूं, जो पारस हैं उन्होंने आरती के साथ ही पहले हफ्ते के अंदर ही अपने सारे कार्ड्स ओपन कर दिए हैं। वो आरती सिंह के साथ भी अपनी अच्छी रिलेशनशिप बना रहे हैं, माहिरा के साथ भी बना रहे हैं, शहनाज के साथ भी बना रहे हैं, तो वो सबके साथ अपना कनेक्शन बना रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और इस बार शो का कॉन्सेप्ट यही है कि हम अपने कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने हैं। अगर आपने देखा भी हो, इससे पहले जो भी एक टास्क हुआ था जिसमें एक ब्लैक रिंग देनी थी, उसमें किसी ने भी पारस को ब्लैक रिंग नहीं दी थी। इट मीन्स उनके भले ही शहनाज के साथ वो ज़्यादा क्लोज हैं, लेकिन बाकी सबके साथ भी उनके कनेक्शन अच्छे हैं। लेकिन पर वो कहते हैं ना कि आप एक ही नाव में पैर रख के सवार कर सकते हो, सब में नहीं जा सकते हो, तो यहाँ पर पारस के साथ अब प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। अब वो शहनाज की तरफ, जैसे आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि शहनाज के साथ उनकी लड़ाई हो जाएगी, एक तरफ माहिरा और शहनाज को लेकर कोई टास्क होगा जिसमें शहनाज रो पड़ेंगी और वो गेट मार देंगे। तो इनके बीच में एक हफ्ते से यहाँ के घर वाले भी बोल रहे हैं कि शहनाज का और पारस का जो कनेक्शन है वो बेहद ही ज़्यादा स्ट्रांग है। यहाँ तक कि हिना खान भी गलाई थी, उन्होंने भी बोला कि उन दोनों का कनेक्शन काफ़ी स्ट्रांग है। लेकिन अब आप आने वाले एपिसोड्स में उन दोनों के बीच में लड़ाई देखने को मिलेगी, और वो फिर ये भी देखना दिलचस्प रहेगा कि वो माहिरा की तरफ होते हैं कि नहीं, या फिर दोबारा शहनाज और उनकी दोबारा से दोस्ती हो जाती है। तो ये चीज़ देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा। और वैसे भी एक महीने के बाद फिनाले होना है, तो एक इन बाकी बचे कुछ जो 21-22 दिन बचे हैं, इनके अंदर कंटेस्टेंट्स को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। किसी से लड़ाई होगी, दोबारा किसी से वो होगा। एक चीज़ और मैं बता दूं कि अब ना और भी ज़्यादा लव ट्रायंगल्स दिखने वाले हैं, जैसे कि जो शेफाली बग्गा हैं उनका और सिद्धार्थ डे के बीच में भी रोमांस देखने को मिलने वाला है। आगे के एपिसोड में आप देखेंगे कि स्विमिंग पूल के दौरान और वो उन दोनों के बीच में एक अलग सी केमिस्ट्री देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि ये सब जो है ये सिर्फ एक महीने बाद जो बिग बॉस का जो फिनाले का जो ट्विस्ट है उसमें बने रहने के लिए कंटेस्टेंट्स को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ, बीच में ऐसा दिखाया गया था कि सिद्धार्थ डे और शेफाली बग्गा का कल के एपिसोड में ऐसा दिखाया गया था कि शेफाली बग्गा जो है एक लेटर लिखती है सिद्धार्थ डे के लिए, तो इस पर क्या लगता है कि उन दोनों के बीच में भी कोई एंगल देखने मिल सकता है? बिल्कुल, जैसा कि ये शो है और इसमें आप एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाना ही है, तो शेफाली भी अब उस राह पर चल पड़ी हैं, उनको भी लगता है कि उनको किसी न किसी के साथ कनेक्शन बना लें ताकि वो अपने आप को थोड़ा सा और आगे बढ़ा सके। और वैसे भी जब इस बार जब वीकेंड का वार था तो सलमान खान ने शेफाली के कई सारे स्टेप्स की बहुत तारीफ़ की थी, स्पेशली जब उन्होंने अपने लिए टास्क के दौरान अपने लिए क्वीन वाले उसके लिए फ़ाइट किया था। इसके अलावा भी वो अपनी बातें रखती रही, जिस तरह से उन्होंने गेम खेला उन सब की उन्होंने तारीफ़ भी की थी। हालांकि एक दो बार उन्होंने ये भी कहा कि नहीं आप अड़ी रही, ये थोड़ा सा गलत था, हो सकता है क्योंकि आपको घर के साथ सभी घर वालों के साथ मिलकर भी चलना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में अब शेफाली को लग रहा है कि शेफाली अगर आगे बढ़ना है तो उसको एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा, और उन्होंने एक लव लेटर लिखा, वो भी सिद्धार्थ डे के नाम से लिखा, और जो अपकमिंग एपिसोड का जो ट्रेलर दिखाया उसमें भी दिख रहा है कि सिद्धार्थ डे उनके लिए गाना गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में उन दोनों के बीच एक अच्छी केमिस्ट्री देखने को मिले। मैं ये भी बता दूं कि जैसे कि अब लव ट्रायंगल शो में शुरू हो चुका है, एक नए कनेक्शन को बनाने के लिए लोग आपस में लगे हुए हैं, तो अब मैं आपको बता दूं, जहां एक तरफ शहनाज और माहिरा,
को लेकर के पारस कंफ्यूज हो गए हैं, वहीं आप देखेंगे एक तरफ सिद्धार्थ शुक्ला जो हैं वो रश्मि को लेकर और आरती को लेकर के भी कंफ्यूज होने वाले हैं, क्योंकि आज एक टास्क होगा जिसमें रश्मि बिल्कुल सिद्धार्थ को कन्वेंस करती नजर आएंगी कि मैं तुम्हें पहले से जानती हूँ, हमारा बॉन्ड स्ट्रांग है, लव एंड हिट वाला रिलेशनशिप है, तो दूसरी तरफ आरती है, तो इन दोनों के बीच में भी मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ लव ट्रायंगल जरूर होगा और लड़ाइयाँ भी देखने को मिल सकती हैं कि आखिर सिद्धार्थ किसको चूज करेंगे। जैसे पहले तो उन्होंने वो आरती को चूज कर सकते हैं, क्योंकि वो दिखाना ही नहीं चाहते कि मैं मतलब रश्मि को पसंद करता हूँ, या क्योंकि उनके रिलेशन के बारे में बाहर कई बार ऐसी अफवाहें आ चुकी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस बार ये दिखाएंगे, आरती को ही चूज कर सकते हैं। थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल भी हो सकता है, क्योंकि हमने ये भी देखा था कि रश्मि जैसा एक बार एपिसोड में ये कहती हुई दिखाई दे रही थी कि कहीं ना कहीं सिद्धार्थ के लिए मन में उनके लिए बहुत कुछ है और वो हमेशा उस पर भरोसा करती है कि वो है, और हो सकता है कि उस ट्विस्ट डालने के लिए सिद्धार्थ इस बार उनको डिच करते हुए नजर आए, आरती को छोड़ के शायद रश्मि को भी चूज कर सकते हैं, तो ये भी चीज देखने को मिल सकती है, क्योंकि सिर्फ 21 दिन रह गए हैं फिनाले वाला जो ट्विस्ट है, तो इसको लेकर के सब लोग एकदम अलर्ट होने वाले हैं, क्योंकि सबको दिखना है तो कुछ ना कुछ तो देखने को जरूर काफी मिलेगा। वेल, तो दोस्तों अब देखना ये होगा कि जहाँ एक तरफ घर में सिद्धार्थ डे और शहनाज गिल इन सब को लेकर अलग अलग तरह के एंगल्स देखने को मिल रहे हैं और लोग एक तरफ ट्विटर पर बॉयकॉट करने के लिए कह रहे हैं, तो वैसे आपकी इस पर क्या राय है, क्या सच में बिग बॉस को बैन होना चाहिए इन सब चीज़ों को लेकर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और बिग बॉस से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।